बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑल कराची लेजेंड क्रिकेट से आरजू उमर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। और मेरे साथ जो दो शख्सियात मौजूद हैं, इनको कौन नहीं जानता जनाब। पाकिस्तान टेबॉल के दो बड़े ब्रांड इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक तरफ बेहतरीन ऑलराउंडर पाकिस्तान के ताहिरी पिंडी, जिनका ताल्लुक पिंडी से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ लैया का शहजादा जल्लाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का आपको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भाई, शुक्रिया। ताहिर भाई, कैसा आपको लग रहा है ये इवेंट और कैसा मज़ा आ रहा है? यार बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज करवाया टेबॉल में हमने, बड़े टूर्नामेंट्स खेले हैं और ये टूर्नामेंट जो है वो माशाल्लाह डिसिप्लिन के लिहाज से और ज़बरदस्त क्रिकेट है। जल्लाद भाई, आपको मज़ा आ रहा है? बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट है, पिछली मरतबा भी आया था अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छी मैनेजमेंट है और बहुत मज़ा आता है यहाँ पे खेल के। आपको ताहिरी भाई, खाने में से कौन सी चीज़ पसंद है जो आपके सामने आप रखी हुई हो? आप पहले भी दो दफ़ा खा चुके हो, फिर आ जाए आप बोले छोड़ना नहीं है, फोड़ना है। यार मैं शौक से जो नमकीन टिक्के खाता हूँ, नमकीन टिक्के ज़्यादा शौक से खाता हूँ। जल्लाद भाई, आप भाई हमारे तो बचपन से ही और माँ बाप की जो पसंदीदी है वो है सोबत हमारे अपने वाली, तो शुरू से हम लोग वही पसंद करते हैं। एक आपकी जो शक्ति का राज है वो यही है? बिल्कुल, वो भी माँ बाप की दुआएं भी होती है और कुछ खुराक भी होती है और कुछ अपनी फिटनेस भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा ताहिर भाई, ये बताएं और जल्लाद भाई आप भी ये बताएं कि लड़के तो आपके माशाल्लाह बहुत फ़ैन हैं, बच्चे भी बहुत फ़ैन हैं, कभी लड़कियों ने आपके साथ तस्वीरें खिंचाने की ख्वाहिश जाहिर की है? कभी कॉलें आई हैं कि हम आपके फ़ैन हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ कभी। जल्लाद भाई, नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ग्राउंड में ऐसा होता नहीं है, तो दोस्त बाकी और मिलते रहते हैं बस। ये जो जल्लाद भाई और ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये ख़ास बातें हमसे शेयर नहीं कर रहे हैं, हालाँकि ऐसा सीन होगा? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जल्लाद भाई, ये बताएं जो बच्चा जल्लाद खान बनना चाहता है, जो बॉलर बनना चाहता है, वैसे ही बॉलरों की बहुत कमी है, मार्केट से शॉर्ट है, तो ऐसा कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा कि रातों रात जल्लाद खान बन जाए, या इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, एक मेहनत है? भाई मेहनत होती है इसके पीछे, इतना जल्दी बंदा एकदम निक नाम कमा सकता है, इसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है और भागना पड़ता है क्रिकेट के लिए। आप लोगों को ग्राउंड में आना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और अपनी अच्छी डाइट रखनी पड़ेगी, क्योंकि टेबल ऐसी है अगर एक अच्छा ओवर करोगे अगले आपको लग जाता है, क्योंकि आपको कंटिन्यू इसमें रखना पड़ता है और अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है आपको। अच्छा ताहिर भाई, जल्लाद भाई ये बताएं, सीमेंट पिच और ये ट्रफ के अंदर क्या फ़र्क है? मतलब ट्रफ में ये थोड़ा सा कट वगैरह हो जाता है, थोड़ा सा हल्का स्विंग मिल जाता है। बॉलर के लिए मददगार कौन सी है? बिल्कुल ट्रफ है, ट्रफ में मज़ा आता है ज़्यादा। ताहिर भाई आप बताएं कि दोनों चीज़ों को कैसा मैनेज करते हैं? बैटिंग भी आपने करनी होती है, बॉलिंग भी करनी होती है, पूरा ऑलराउंडर के यानी कि 100% आपने देना होता है, तो उसको कैसा आप अपने आप को फिट रखते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले इस गेम के लिए फिटनेस, कोई भी गेम है आपने फिट होना आपको लाजमी है, आप फिट हो गए तो फिर खेल सकोगे। क्रिकेट हो चाहे कोई भी गेम हो, स्पोर्ट्स मैन जितना भी है जो भी है वो पहले फिट होगा तो फिर खेल पाएगा। तो शुरू से तो मैंने ही फिटनेस की, गलियों में हम खेलते थे, हमें शौक बहुत था, तो उसी तरह बनते बनते मैं ऑलराउंडर बन गया। बॉलिंग का भी शौक था मुझे, बैटिंग का भी शौक था, तो मैंने इसके पीछे जो है बड़ी मेहनत भी की है। ये बात है कि अपनी फिटनेस, रोज़ ग्राउंड जाना, खेलना, उसके साथ साथ फिर हम अल्लाह ताला ने हमें जो है वो इज़्ज़त दी है, इस मकाम पर हम पहुँचे। कहीं आपके जहन में ताहिर भाई ये तो नहीं था कि बॉलिंग नहीं आएगी तो चलो बैटिंग आ जाएगी, बैटिंग नहीं आएगी तो बॉलिंग आएगी, मैं ऑलराउंडर बन जाता हूँ? नहीं यार, मुझे शुरू से बस खेलने का शौक था, बॉलिंग भी। मेरे जो टीम मेट्स थे मेरे साथ जो खेलते थे, उनको मुझसे ज़्यादा मुझ पर बिलीव होता था कि बॉलिंग में भी कर जाएगा और बैटिंग में भी कर जाएगा। तो फिर इस तरह खेलते खेलते जब मैं बाहर आया तो फिर मैं बॉलिंग भी करता होता था और बैटिंग भी करता होता था, वो फिर अल्लाह ताला ने एक जो है वो सिस्टम बना दिया कि मुझे लोग खुद कहते हैं कि नंबर वन ऑलराउंडर है। क्या बात है जल्लाद भाई, कौन सा ऐसा बैट्समैन है सामने आ जाए तो अंदर का खून जोश मारता है, इसकी तो विकेट लेके छोड़नी है? सबके ऐसे ही होते हैं कि कौन सा प्लेयर नहीं है जो आउट नहीं करना चाहता है बंदा, लेकिन जो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है आउट करने पर वो तैमूर भाई हैं। तो कल आपको तैमूर भाई ने एक छक्का मारा, उसके बाद आपने अगली बॉल पे विकेट ली, फिर मैंने आपका एक्शन देखा तो ये अंदर से जज्बा ये इसी चीज़ का था? हाँ बस, ये क्यों नहीं चाहता टीम को आउट करें, और सबकी ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छी बॉल करूं और तैमूर को आउट करूं, क्योंकि तैमूर ऐसा प्लेयर है पाँच चार पाँच से नीचे नहीं आता किसी को पकड़ ले, तो इसके लिए आपको अच्छी एफर्ट करनी पड़ती है, आपने जोश से गेंदे करनी, होश से करनी पड़ेगी आपको, तो एक लाइन में उसको करनी पड़ेगी तब आउट होगा वो। ताहिर भाई, ऐसा कौन सा बॉलर है जो आपके सामने आ जाए तो आप बोलेंगे चलो आज मज़ा आ गया, तीन से चार दाने इसको मखन मलाई को लगाने ही लगाने? यार कोई भी हो, जब बैटिंग बंदा कर रहा होता है फॉर्म में हो तो कोई भी बॉलर हो तो बंदे कोई एक नाम तो बताएं ना जिसको मारने में आपको अंदर से चुस आती है, मज़ा आता होगा यार इसको छक्का मार के दिल मुतमइन हुआ, आज रात में नींद बड़ी अच्छी आनी है? नहीं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा हम जब मैच खेल रहे होते हैं ओपोजिशन कोई भी हो तो हमारी कोशिश होती है कि बस मारें कोई भी ओपोजिशन में बॉलर आ जाए।
अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि जल्लाद खान को या तायरी पिंडी को किसी टूर्नामेंट में बुलाना हो तो इनकी तरफ से फरमाइशी प्रोग्राम आ जाता है कि भाई बाइयर टिकट चाहिए हमें लग्जरी होटल चाहिए, लग्जरी खाने चाहिए, हमें फुल प्रोटोकॉल चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी होना चाहिए एक स्पोर्ट्समैन के लिए, घर बार छोड़ के आता है आप लोगों की कराची, तो ये तो ज़रूरी है ना। नहीं, कराची के अलावा भी पंजाब में आप जहाँ गए, जहाँ पे जाते हैं हमें इज्जत करते हैं लोग। अच्छा, मेरा आप सवाल समझे नहीं, ये आपकी तरफ से फरमाइश होती है कि इसके बगैर हम नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये अगले को पता होता जो हमें बुलाते हैं।